आइए बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट है जो कि परीक्षा दृष्टि से भी आई है 2023 के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक्स साइन थीटा बराबर एक एवं वाई कॉस थीटा बराबर एक तो टेन थीटा का मान है। देखिए एक्स साइन थीटा बराबर एक तो साइन थीटा बराबर एक बटे एक्स, फिर वाई कॉस थीटा बराबर एक तो कॉस थीटा बराबर एक बटे वाई। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है, वन बाय एक्स, और कॉस थीटा का मान क्या है, वन बाय वाई। तो देखिए वन बाय एक्स गुना वाई बाय एक पलट जाता है, मतलब वाई बटे क्या हो गया एक्स। देखिए वाई एक्स कहाँ है, यहाँ देखिए डी नंबर में है, ठीक है। इस तरह बनाना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा का मान दिया हुआ है पी, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है क्यू, तो पी और क्यू में संबंध। देखिए ऑप्शन में देखिए किस तरह दिया हुआ है, ऑप्शन में देखना रखना। तो हमको पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, एक। देखिए साइन थीटा का मान यहाँ क्या है, पी, तो यहाँ पी रखिए तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का मान यहाँ क्या है, क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर एक। तो देखिए यही संबंध होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक। देखिए कहाँ है, डी नंबर का आंसर है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। फिर तीसरा नंबर देखिए, साइन थीटा बराबर पांच बटा क्या है, तेरह। साइन थीटा बराबर होता है पांच बटा तेरह, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण होता है। तो देखिए लंब को हम लोग पी सूचित करते हैं, कर्ण को हम लोग एस सूचित करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में जो तीन चीज होता है, लंब कर्ण आधार, आधार को हम लोग बी सूचित करते हैं। तो अगर कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना, तो कर्ण में लंब को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए पहले संबंध देखिए, पहले एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो आपको देखिए क्या पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ, देखिए पी दिया हुआ एच दिया हुआ, बी निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मैंने कर्ण में छोट, कर्ण में घटाते हैं, जब भी घटाएंगे कर्ण घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो कर्ण निकलेगा। तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस चीज को आपको फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो क्या होगा फार्मूला, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान यहाँ क्या है, तेरह स्क्वायर, और पी का मान क्या है, पाँच स्क्वायर। तो क्या होगा, तेरह तेरह उनहत्तर से पच्चीस पच्चीस घट किया तो कितना हो गया, 144, तो 144 पर वर्गमूल कितना होता है, 12, ठीक। तो आपको अगर ट्रिपलेट अगर याद है, 5 12 13 5 12 13, तो टेंशन नहीं है, ठीक। अब देखिए अब आपको निकाल पूछ क्या रहा है, तो टेन थीटा में पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब क्या है आपका, पाँच, आधार क्या निकले, बारह। तो देखिए कहाँ है, पाँच बटे बारह, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो ये आपका होता है लंब, ये आपका होता है आधार, ये आपका होता है कर्ण। सीधी सी बात, टेन थीटा पूछ रहा है, तो लंब बटा क्या होता है, आधार, तो पाँच बटा क्या हो जाएगा, बारह। अभी ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए ये दोनों का वर्ग कीजिए तो तीसरे का वर्ग हो बराबर होता है, पच्चीस पच्चीस बराबर 84, 169 बराबर 169 हो जाएगा,
25 बराबर 84 आ जोड़िएगा 169 और 169 तो ये सब याद रखना है। वो 3, 4, 5 ये भी याद रखना है, ये सब बराबर आता है इस पर आधारित हिसाब। ठीक है, आप देखिए 8 sec² θ - 8 tan² θ बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ 8 है यहाँ 8 है, पहले इसको बाहर कर लीजिए, sec² θ - tan² θ। तो देखिए इस sec² θ - tan² θ क्या होता है, मान 1 होता है, 1 × 8 तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ अगर कोई भी चीज़ रहता, अगर 5 5 रहता, 6 6 रहता तो बाहर कर लेते, इसका मान क्या हो जाता, 1, आंसर वही आपको वही हो जाएगा। ठीक, और एक और फार्मूला देखिए, 3 फार्मूला आपको याद रखना है, 1 sin²θ + cos²θ बराबर क्या होता है, 1 sec²θ - tan²θ बराबर क्या होता है, 1। ठीक, cot²θ - cosec²θ बराबर क्या होता है, 1। ये 3 फार्मूला याद रखना है क्योंकि इस पे आधारित हिसाब अवश्य मिलेगा। ठीक, आप देखिए tan थीटा बराबर दिया है p/q दिया है, मान पूछ रहा है cos θ + sin θ / cos θ - sin θ का मान पूछ रहा है। आप देखिए tan थीटा है, tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, sin θ / cos θ लिख सकते हैं p/q। देखिए sin का तुलना कीजिए p से, sin बराबर p, कॉस बराबर क्यू, ये तुलना कीजिए से, साइन का मान क्या हो गया पी, कॉस का मान क्या हो गया क्यू। ये कब होता है, जब देखिए ऊपर नीचे बराबर रहे, कॉस कॉस साइन साइन प्लस माइनस रहे, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान रख देते हैं कॉस, तो साइन का मान क्या, कॉस का मान यहाँ क्या है क्यू है, साइन का मान क्या है पी, तो पी रख दीजिए, कॉस का मान यहाँ क्या है क्यू, क्यू रख दीजिए, और पी साइन का मान क्या है पी, पी रख दीजिए। तो देखिए आपका वैल्यू कहाँ है, पी क्यू प्लस पी कहाँ है, क्यू प्लस क्यू बी नंबर आंसर है। ठीक है, आप इसी तरह बनाते रहिए ये परीक्षा के व्यू से। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या था, 8 का था ना, सी नंबर था। ठीक, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।